Oui. भाई यार नहीं है भाभी। चीजू मुझे लग रहा है ये वो सेम ट्रक नहीं जिसमें पूर्वी दी आई थी। तो फिर चलो ना, टाइम की वेस्ट करे और कहीं देखते हैं। एक सेकंड, पूर्वी थी, वो यही थी, ये वही ट्रक है जिसमें वो यहां आई थी। ये पूर्वी की चूड़ी है, इसका मतलब यही वो ट्रक, वो इसी में आई थी। ढूंढते उसे, जल्दी ढूंढो उसे, वो आसपास होगी। जल्द भाभी, पूर्वी, भाभी, पूर्वी दी। मैथ्यू, चल बाहर आने। साइड हटो, मुझे मैथ्यू से बात करनी है। अरे अंदर नहीं जा सकते, तू फियर में उसको, तू क्या हो? ए, क्या हो रहा है? रुको, आने दो उसे। कैसे जाहिल लोग तुमने पाल रखे हैं, जानते नहीं है मैं कौन हूं? ना ही तुमसे मिलने दे रहे हैं, ना ही तुमसे बात करने दे रहे हैं। और तुम, मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कॉल लगा रहा हूं, तुम मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। अगर मैं किसी को लाखों मारने के लिए दे रहा हूं तो तुमसे पूछूंगा ना मैं? देखो, मुझे बस तुमसे एक चीज जाननी है, वो पूर्वी मरी कि नहीं मरी। मुझे अपने कानों में उसकी मौत की न्यूज सुननी है ताकि मैं उस दस्ती को जाके बता पाऊं कि पूर्वी नहीं रही। मेरी नेहा को मारा ना उसने, एक बार उसको पता लगेगा ना कि पूर्वी नहीं रही, जमीन निकल जाएगी उसके पैरों के नीचे से, जीते जी मर जाएगा वो। पता पूर्वी मरी? अभी तक पूर्वी नहीं मरी है। पैसे क्या मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं? अरे क्यों नहीं मरी पूर्वी अभी तक? मैथ्यू जब किसी से काम लेता है ना, तो काम उसका पूरा करके देता है। मानता हूं कि पूर्वी अभी मरी नहीं है, लेकिन मरेगी जरूर। बस चंद सांसें बाकी है उसकी, पूर्वी जरूर मरेगी। वो मौत दूंगा मैं उसे कि फिर दोबारा जन्म नहीं लेगी। डरेगी वो दोबारा जन्म लेने के लिए। वैसे जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इस समय पूर्वी की कुंडली मेरे हाथ में है। मैं तय करूंगा उसका जीना और मरना। उसे मौत भी मैं दूंगा और मोक्ष भी मैं दूंगा, क्योंकि अब तो उसे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इसका यमराज हूं मैं हूं उसका यमराज। पूर्वी का मरना तय है।